नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको दुनिया के बड़े बड़े मिस्ट्री से रूबरू कराते रहें। दोस्तों, आज हम आपको एशिया के नंबर वन देश सिंगापुर के कुछ अमेजिंग फैक्ट से रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सिंगापुर को पूरी तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सिंगापुर वर्ड एक मलाई वर्ड सिंगपुर से आया है, जिसकी असली उत्पत्ति संस्कृत के वर्ड सिंह से हुई है, जिसका मतलब होता है शेरों का देश। वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद सिंगापुर ही दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि एक सिटी भी है और एक देश भी है। दोस्तों, 1963 से पहले सिंगापुर एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने इसे एशिया से जोड़ दिया। 1963 में सिंगापुर एक वोटिंग के जरिए मध्य एशिया से अलग हुआ और एक स्वतंत्र देश भी बन गया। दोस्तों, सिंगापुर जब मलेशिया से अलग हुआ तो इसे किसी भी युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा, ये केवल वोटिंग के आधार पर ही अलग हुआ। दोस्तों, सिंगापुर के चारों ओर मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे ताकतवर मुस्लिम देश होने के कारण इसराइल सिंगापुर को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी लेता है। दोस्तों, मलेशिया से सिंगापुर के संबंध अच्छे न होने के कारण भी इन दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत ही ज़्यादा है, जो कि एशियान के द्वारा काम करता है। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया का बहुत ही ज़्यादा धनी देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था बैंकिंग, शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर स्थित है। दोस्तों, सिंगापुर एक बहुत ही छोटा देश है और यहाँ की कुल मिलाकर आबादी केवल 56 लाख है और यहाँ के प्रधानमंत्री की सालाना इनकम लगभग 11.5 करोड़ से भी अधिक है, जो कि अमरीकी प्रेसिडेंट से भी 4 गुना है। सिंगापुर में करोड़पतियों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय दुनिया की 3री सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड हमारे देश से 1000 गुना अधिक है और यहाँ पर इंटरनेट 2 GB/s की स्पीड से चलता है। दोस्तों, यहाँ का रहन सहन बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस माना जाता है और रहन सहन के हिसाब से सिंगापुर एशिया का पहला और दुनिया में 3रे नंबर पर आता है। दोस्तों, सिंगापुर के इतने डेवलप होने की केवल एक ही कारण है कि वहाँ पर 100% लोग लिटरेट हैं और वहाँ पर भ्रष्टाचार की संख्या बहुत ही कम है और ये देश इतना धनी है, इसी की वजह से यहाँ पर बेकार की मात्रा बहुत ही कम है और यहाँ पर सरकार लोगों को अपना घर बनाने के लिए सब्सिडी भी देती है। दोस्तों, सिंगापुर में कोई भी बिल्डिंग 280 मीटर से ऊंची नहीं बनाई जा सकती। यदि कोई भी इससे ऊंची बनाता है तो उसे गैरकानूनी माना जाता है और सिंगापुर में टॉयलेट में पानी न डालना भी गैरकानूनी ही माना जाता है और इसके ऊपर सजा भी होती है। मॉरिशस के बाद सिंगापुर भारत का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है। दोस्तों, क्योंकि सिंगापुर एक बहुत ही छोटा देश है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वहाँ के हर नागरिक को 1 से 1.5 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है। सिंगापुर में कुल मिलाकर 3 धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम हैं और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या बौद्ध लोगों की ही है, जो कि 33% है। सिंगापुर में ज़्यादातर इंग्लिश और मैंड्रिन चाइनीज बोली जाती है। सिंगापुर का जू बहुत ही उन्नत तकनीक से बनाया गया है और ये एशिया में पहले नंबर पर आता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।